बिहार के पूर्व डीजीपी, नेता बनने की चाहत, लेकिन अब आध्यात्मिक गुरु या फिर कथावाचक। गुप्तेश्वर पांडे जी, क्या कहें आपको, इतनी सारी भूमिका में आप रह चुके हैं, पुलिस, नेता, और अब आध्यात्मिक गुरु कहें या कथावाचक कहें। देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। मैं कथावाचक प्रोफेशनल अर्थ में नहीं हूँ, भगवान के नाम रूप का ध्यान करते हुए उनके लीला, उनके चरित्र का गायन करना, ये आत्मशुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए होता है, और इसी को आम बोलचाल की भाषा में लोग कथा वाचन कहते हैं, और जो कथा का वाचन करता है उसको कथावाचक कहते हैं। तो इस अर्थ में मैं कथावाचक भी हो गया हूँ, भागवत की कथा कहता हूँ और भगवान श्री राम की कथा भी कहता हूँ, श्री रामचरितमानस की। तो इस अर्थ में मैं वाचक, कथावाचक भी हूँ। तो मुझे आप एक सामान्य मामूली इंसान के रूप में जानिए, एक आम आदमी के रूप में जानिए, अपने दास के रूप में हमको स्वीकार कीजिए, यही मेरी पहचान है। लेकिन इतने कड़क पुलिस अधिकारी, पुलिस महकमे के आप निदेशक रहे, नेता बनने की चाहत थी, लेकिन अभी आप किस रास्ते पर चल पड़े हैं, अध्यात्म की तरफ कैसा अचानक से रुझान हो गया आपका? अचानक तो कुछ नहीं हुआ, ये तो जीवन का संस्कार है। ब्राह्मण हूँ बचपन से, मेरे परिवार में पूजा पाठ का माहौल रहा है शुरू से, बचपन से। हनुमान जयंती, हनुमान जी का मंदिर है घर के बाहर, हर साल हनुमान जयंती होती थी। 12 साल की उम्र से मैं कथा में रुचि रखता था, प्रवचन भी करता था। अब सरकारी सेवा में रहते हुए प्रोटोकॉल है उसका, कुछ बंदिशें हैं, आप कथा नहीं कर सकते, तो कथा नहीं की। अब मुझे स्वतंत्रता मिली है तो भगवान की लीला चरित्र का गायन कर रहा हूँ। तो अचानक कुछ नहीं होता। श्रीमद् भागवत पुराण इतना कठिन है कि इसमें विद्वानों की, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है। आप अचानक कथावाचक नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा नहीं कर सकते। 5 साल 10 साल 20 साल पहले से अगर अभ्यास न हो, पहले का संस्कार नहीं हो, तो कोई भागवत पुराण की कथा थोड़े ही कह सकता है। तो अचानक आप सेवानिवृत्त होकर के और कथा कहने लगेगा, ये संभव नहीं है। तो पहले से बीज, पहले से संस्कार, संतों की कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर की कृपा, सब कंबाइंड फैक्टर्स के कारण ये संभव होता है। जब आप पुलिस में भी थे तो मंत्रोच्चारण या फिर कहीं दोहा पढ़ना, या आपको बहुत जगह आपको आयोजन में आप जाते थे, तो मन लग रहा है ये नई भूमिका में आपको? बहुत मन लग रहा है, क्योंकि आत्मा की खुराक तो यही है, शरीर की खुराक। देखिए, दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रिय मार्ग है। प्रिय मार्ग मतलब माया का रास्ता, माई का रास्ता, संसार का रास्ता। श्रेय मार्ग मतलब अध्यात्म का रास्ता, भगवान का रास्ता। तो जीव जो भी कर्म करता है वो सुख के लिए करता है। भागवत में एक श्लोक आया है, मैत्रेय जी से पूछते हैं विदुर जी, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख के लिए ही हर कर्म किया जाता है, उसका परिणाम दुख क्यों हो जाता है? क्योंकि ये संसार दुखालय है, यहाँ कुछ भी आप कर लिएगा उसका अंत परिणाम दुख ही है। कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, ना आपका पद, ना आपकी प्रतिष्ठा, ना आपका मान, ना आपका सम्मान, ना आपका ऐश्वर्य, ना आपकी संपत्ति, और कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। इसलिए इसमें कोई आनंद भी नहीं है। जो जितने ऊंचे पद पर है लौकिक रूप से उतना ही दुखी है। तो आनंद तो केवल ईश्वर के रास्ते में है, उसकी प्राप्ति में ही है। तो जीवन का अल्टीमेट गोल तो वही है, अंतिम लक्ष्य तो वही है। तो इतना हंगामा क्यों बरपा है भाई? कथा हंगामा इसीलिए है क्योंकि आप कह रहे हैं आप दुखी नहीं है, लेकिन दुख इस बात का रहा कि नेतागिरी में आप फेल हो गए, नेतागिरी में आप सफल नहीं हो पाए। आपका परसेप्शन हो सकता है ना, अब मेरा परसेप्शन तो नहीं है, परसेप्शन तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है ना। चाहत तो थी, जैसे सोचते हैं, चाहत था, इस्तीफा दिया, सही है, ज्वाइन भी करना था पॉलिटिक्स, ये भी सही है, टिकट नहीं मिला वो भी सही है, वो मेरा प्रारब्ध था। तो मैं अपने लिए थोड़ा विधायक, कोई एक डीजीपी खोज करके दिखा दीजिएगा क्या, जो विधायक का टिकट के लिए कोई अपनी सर्विंग डीजीपी, कोई अपनी नौकरी छोड़ दे? असंभव। प्रोटोकॉल में माननीय विधायक बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन संसाधन, ऐश्वर्य, रुतबा, ठरसा डीजीपी का बहुत ज़्यादा होता है। एक डीजीपी क्या, एक डीएसपी नहीं मिलेगा जो टिकट के लिए, विधायक के टिकट के लिए नौकरी छोड़ दे? क्योंकि टिकट मिलना कोई विधायक बनने की गारंटी थोड़े ही है। कि टिकट मिल गया तो आप विधायक हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। मैं विधायक इसलिए नहीं बनना चाहता था, मैं इसलिए बनना चाहता था कि मैं सुस्तों की, दलितों की, वंचितों की, कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज़ बन सकूँ, उनके दरवाजे पर जाऊँ, ज़मीन पर उनके साथ नीचे सोऊँ, उनके टूटे बर्तन में उनकी रोटी, उनका नमक खाऊँ, उनकी आवाज़ बनकर उनका सुख दुख जनता सरकार तक पहुँचाऊँ। तो एक ऐसी मिसाल कायम करूँ कि देश के लोग देखें
और सब जगह लोग कहें कैसा विधायक होना चाहिए, उसके बाद करना मुझे यही अल्टीमेटली काम था, उसमें मुझे मौका नहीं मिला। बनने की चाहत अचानक तो थी नहीं, 2009 में भी आपने VRS लिया था, तो यानी इतनी पुरानी चाहत है। अरे 2009 में तो मैंने VRS लिया था ना, हो सकता है 2009 में नहीं, पैदा होने के साथ रही हो वासना। रजोगुण होता है ना, तमोगुण होता है, रजोगुण होता है, सतोगुण होता है, हो सकता है नौकरी में जिस दिन आया था उस दिन से थी। जनता से जुड़ा रहना, जनता का काम करना, जनता से मिलकर रहना, तो ये मेरे स्वभाव का अंग था ना, वो मेरे संस्कार में था, इसीलिए तो कहीं मेरे यहाँ मिलने का टाइम नहीं। इस भी रहा था तब DGP तक, आम आदमी से रिक्शा वाला, ठेला वाला, जूता वाला, टैक्सी वाला, सबसे मैं डायरेक्ट मिलता था, सबसे मिलता था सब। ये तो बचपन से रही होगी ना ये कामना। अब ये कामना क्या गुप्तेश्वर पांडे के अंदर से निकल चुकी है, राजनीति अब निकल चुका है उनके अंदर से? जितने सवाल अगर आपका केंद्रित सिर्फ इसी राजनीति पर है, तो उसका सीधा जवाब है कि मैंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। ठाकुर जी की इच्छा से ही अब कुछ भी करूँगा, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, न मेरी कोई योजना है, न कोई प्लानिंग है, न कोई इच्छा है। इसलिए आपकी बात का सीधा जवाब है कि हमारे पास अभी राजनीति करने की एकमात्र, मतलब एक थोड़ी भी इच्छा नहीं। मैं केवल भगवान के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए यही चाहता हूँ, इसीलिए उनके नाम क्षेत्र का गुणगान करता। तो मैंने तो आपको खोल करके बोल दिया कि VRS लिया इसलिए कि राजनीति ज्वाइन करना चाहता था, नौकरी इसीलिए छोड़ी क्योंकि राजनीति ज्वाइन करना चाहता था, टिकट नहीं मिला चुनाव लड़ना चाहता था, ये भी सही है, टिकट नहीं मिला, राजनीति की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बहुत सारे दाव पेच हैं, किसी कारण से नहीं मिला उसको मैं अपना प्रारब्ध मानता हूँ, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। टिकट नहीं मिला तो मेरा तो राजनीति में प्रवेश नहीं ना हुआ औपचारिक रूप से, मेरी तो एंट्री ही नहीं हुई, तो चैप्टर क्लोज हो गया, बंद कर लिया उसको। इच्छा थी लेकिन अब वो इच्छा खत्म हो गई ना। चलिए नई भूमिका के बारे में बात बताइए, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, पट्टा पहनते हैं, फूलों की माला आपके गले में होती है, हजारों लोग आपको सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, और अभी कुछ दिनों से आप अयोध्या भी घूम रहे थे काफी दिनों से। मैं गेरुआ वस्त्र पहन करके मैं कहाँ प्रचार कर रहा था या कहाँ प्रवचन कर रहा था? मैं तो कथा वाचन किया 15 से 22 तक अयोध्या में, ठीक है, लेकिन न मैं सन्यासी बना हूँ, न मैंने गेरुआ वस्त्र धारण किया है, और मैं धोती कुर्ता पहनता था, 40 साल से पहन रहा हूँ, अभी पहनता हूँ। नौकरी में था तब भी सेवा के कार्य के अलावे जो ऑफ टाइम होता है उसमें मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, उसमें लाल कुर्ता भी होता है, पीला कुर्ता, ब्लू कुर्ता, व्हाइट कुर्ता, कोई कुर्ता हो सकता है। वेशभूषा में कोई परिवर्तन, भीतर से परिवर्तन न होना चाहिए, बाहर से परिवर्तन होने से क्या फ़ायदा, वेश बना लें, दाढ़ी बना लें, गेरुआ पहन लें, और चित्त में परिवर्तन न हो, मन में परिवर्तन न हो, अंतःकरण में परिवर्तन न हो, तो परिवर्तन किस काम का? मेरे मन में किसी के प्रति कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, किसी को शिकायत नहीं, अपने शत्रु भाव से जो मुझे देखते हैं, जो मेरी आलोचना करते हैं, उनके भी कल्याण की ही कामना है, उनके लिए भी मंगल ही सोचता हूँ।